दोपहर में बटर पनीर खत्म करके क्या आपकी भी काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है? लंच करने के बाद मानो मन करता है बस सोने का। कुछ कंट्रीज जैसे स्पेन और इटली में तो इसका एक ट्रेडिशन है कॉल्ड आफ्टरनून सिएस्टा। पर ऐसा क्यों होता है? आफ्टरनून में एक डिप इन एनर्जी का कल्प्रिट है हमारी सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम हमारी बॉडी की नेचुरल इंटरनल क्लॉक है जो हमारी बॉडी को जरूरी फंक्शंस करने में हमारी मदद करती है। हमारी सर्केडियन रिदम नेचुरल डे और नाइट की साइकिल से अलाइंड होती है। इसी के कारण हम आफ्टरनून में एक एनर्जी डिप महसूस करते हैं। इस टॉपिक पर रिसर्च अभी लिमिटेड है, लेकिन लंच के बाद डिप इन एनर्जी के और कई कारण हो सकते हैं। जैसे लंच के बाद हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बदल जाता है ताकि ज्यादा ब्लड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम तक फ्लो कर सके, जिससे हमारे ब्रेन तक कम ब्लड जाता है, जिससे हम टायर्डनेस एक्सपीरियंस करते हैं। एक और कारण हो सकता है, एक कार्ब हैवी लंच के बाद हमारी बॉडी के इंसुलिन लेवल्स स्पाइक होते हैं, जिससे हम ज्यादा ड्राउजी फील करते हैं। इसको कॉम्बैट करने के लिए हमें एक प्रोटीन और फाइबर रिच लंच करना चाहिए, अलोंग विद फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स और बार्ली, डाइट के साथ इन एनर्जी क्लैशेस को अवॉइड करने के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइए।